नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है पाठ्य विज्ञान के चमत्कार हिंदी में निबंध पार्ट टू है। यदि पाठ फर्स्ट आप देखना चाहते हैं जिसमें मैंने रूपरेखा कैसे लिखते हैं, रूपरेखा लिखने का तरीका क्या है, उसका विधिवत वर्णन दिया है और विज्ञान के चमत्कार पर रूपरेखा दी है, तो यदि आप देखना चाहें उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप देख सकते हैं। आप कभी भी निबंध लिखें तो निबंध लिखने का एक बेसिक तरीका होता है, उस तरीके के माध्यम से आप किसी भी विषय वस्तु पर निबंध लिख सकते हैं। निबंध लिखने का सही तरीका है सबसे पहले रूपरेखा, फिर इसके बाद कविता, कविता सुविचार या कहावत, तीन में से कोई एक उस टॉपिक से संबंधित, इसके बाद आप प्रस्तावना, आपके निबंध में मिनिमम दो हिंदी निबंध चाहे इंग्लिश निबंध, दो या तीन प्रोवर्ब होनी चाहिए, एक प्रस्तावना में, एक उपसंहार में, एक निबंध की मेन बॉडी के मध्य। यदि आप इस प्रकार निबंध लिखेंगे तो आपको अनिवार्य रूप से चाहे हिंदी का लिखें चाहे इंग्लिश का पूर्णतम अंक प्राप्त होंगे। मैंने कोरोना वायरस भारतीय समाज में नारी के स्थान पर निबंध तैयार किया है, यदि आप देखना चाहें तो उन सभी की लिंक वीडियो के अंत में मिल जाएगी प्लेलिस्ट के रूप में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के चमत्कार हिंदी में निबंध पार्ट टू में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी भाषा चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो निबंध लिखें तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है, सबसे प्रारंभ की स्टार्टिंग होती है उस निबंध पर प्रस्तावना से पहले रूपरेखा के बाद, क्या देना उस निबंध पर कुछ चंद लाइनें कविता सुविचार या कहावत पर देना। तो विज्ञान के चमत्कार की एक सुंदर सी कविता है, सावधान मनुष्य को विज्ञान का उपहार, हे सुविकसित, हे सुवासित प्रगति सुख से चतुर दिक संसार, तो इस निबंध में सबसे पहले हम देंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना के ऊपर ये आपको हम देगी क्या कविता, अब इसके बाद रखेंगे क्या अपन प्रस्तावना। तो देखें आपकी जो हमने कविता आपके सामने गुनगुनाई थी वो आपकी स्क्रीन पर है और प्रस्तावना भी हम लिख चुके हैं। सावधान मनुष्य को विज्ञान का उपहार है, सुवासित प्रगति सुख से चतुर दिक संसार, ये आपकी कविता है। इसके तुरंत बाद हमने प्रस्तावना दिया है, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं, चाहे ऐसा कहें कि ऐसा भी लिख सकते हैं कि आज का यह है वैज्ञानिक युग है, तो हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं, आज हम सर्वत्र विज्ञान के चमत्कार देखते हैं, विज्ञान के चमत्कारों ने पृथ्वी का कायाकल्प करके पृथ्वी का चेहरा बदल दिया है। आज विज्ञान ने पृथ्वी की जो आकृति है रूपरेखा है पूरी परिवर्तित करके रख दी है, हर जगह विज्ञान ही विज्ञान दिख रही है। आज वर्तमान में विज्ञान मनुष्य के जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है, या अंग बन चुका है। तो अगला पॉइंट देखते हैं विज्ञान एक वरदान, विज्ञान के अपार साधन मानव को वरदान सिद्ध हो रहे हैं, इसकी व्यापकता सभी क्षेत्रों में हुई है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर रहा है और प्रकृति के गुण रहस्यों को प्रकाश में ला रहा है। आज ये सच है, हकीकत है कि मनुष्य के जीवन में जितने भौतिक सुख हैं वैसे विज्ञान की देन है, प्रकृति के ऐसे गुण रहस्यों का विज्ञान पर्दाफाश कर रहा है, उजागर कर रहा है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो यह सब विज्ञान के जरिए संभव हो चुका है, हो रहा है। अणुशक्ति द्वारा वर्षा, गर्मी, ठंड आदि कृत्रिम साधनों का विकास हो चुका है, आज हम जब चाहें जब गर्मी कर सकते हैं, जब ठंडी कर सकते हैं, जब वर्षा का करवा सकते हैं,
विज्ञान में सब कुछ क्षमता है। आकाश में उड़ते हुए विमान चंद्रयान उसका यशगान करते हैं। समुद्र की छाती पर तीव्रती से तैरते हुए जलयान और पनडुब्बियां उसकी कीर्ति पताका को फहराते प्रतीत हो रहे हैं। तो आज विज्ञान का जो सर्वत्र उपयोग है वह जलयान चंद्रयान यशगान कर रहे हैं, पताका फहरा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं विज्ञान के प्रयोग। तो विज्ञान का प्रयोग है सभी क्षेत्रों में। आज हम विज्ञान का ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विज्ञान के प्रयोग से यह क्षेत्र छूटा है। हर क्षेत्र में विज्ञान का प्रयोग है। आज विज्ञान में विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में पहुंच चुका है। कोई भी क्षेत्र विज्ञान से छूटा नहीं है जहां पर विज्ञान ना पहुंच चुका हो। तो विज्ञान के प्रयोग है जो हम इसी पाठ में बताने वाले थे, लेकिन पार्ट वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम उस वीडियो को सेकंड पार्ट में बताएंगे। और उस पार्ट में विज्ञान के प्रयोग जो हमने बताए थे कृषि में विज्ञान के प्रयोग क्षेत्र, प्रयास करेंगे कि सभी क्लियर उस पार्ट में हो जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।